हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभी वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे यू you नो know, हमारा पी का जो हमारा पी सेशन चल रहा है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने नाइनटीन नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन ऑलरेडी डन हैं स्टूडेंट हमारे तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओके okay, जी ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन स्टूडेंट पढ़िए उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है राइट ये हमारा आ, प, पी वाई क्यू जो है वो हम आ, पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था दैट इज अवर 2020 के अंदर जो हमारा पेपर हुआ था उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट कहता है द रिसेंटली पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट रियल टाइम मार्केट पे क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मार्केट मार्केट के बारे में इसने क्वेश्चन पुट किया है पहले स्टेटमेंट में ये बोलता है कहता रियल टाइम मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म एनेबलिंग बायर्स एंड सेलर्स टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लोजर टू द रियल टाइम ऑपरेशन पहले स्टेटमेंट में वो बोलता है कहता है रियल टाइम मार्केट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो अपनी मीटिंग कर सकते हैं वहाँ पे फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लोज़र टू रियल टाइम ऑपरेशन ठीक है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी मार्केट है जिसको भी कुछ सेल करना है या जो बायर है वो रियल टाइम वहाँ पे मीटिंग्स को फिक्स कर सकते हैं मतलब कि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा अच्छा जो ऑक्शंस हैं आपको भी पता है सेलर और बायर के बीच में ऑक्शंस लगती हैं जिसको हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में हम जिसको बोली भी कहते हैं ना कहता है वो फिफ्टी टाइम्स होगी पूरे दिन में पचास बार ऑक्शंस लगेंगी थर्ड स्टेटमेंट में वो कहता है कहता है इट बिकम ऑपरेशनल ऑन टू प्लेटफॉर्म दो प्लेटफॉर्म पर ही होगा ये ऑनलाइन हो है स्टूडेंट कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ये क्या था इट बिकम ऑपरेशनल ऑन टू प्लेटफॉर्म पहला इनर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आई दूसरा पावर एक्सचेंज इंडियन लिमिटेड ठीक है अब आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वन टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन टू थ्री हाँ जी तो स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने पहली स्टेटमेंट में तो वो कह रहा है रियल टाइम मार्केट क्या चीज है ये समझा रहे दूसरी में वो कह रहे कि था ऑक्शन फिफ्टी टाइम लगेगा एक ही दिन में एक दिन में पचास बार आपकी ऑक्शन लगेगी तीसरी बार वो तीसरे में बोल रहा है कि इसमें दो प्लेटफॉर्म है दोनों पे आप क्या कर सकते हैं अपना एक्सचेंज कर सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ठीक है जो बायर एंड सेलर के बीच में सॉरी ठीक है तो पैन इंडिया लेवल पे ही हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट दैट इज आवर वन एंड थ्री तो क्योंकि इसमें फिफ्टी टाइम्स जो है ना वो जो इसने ये जो बताया ये दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट 50 टाइम्स अ डे नहीं है स्टूडेंट वो ऑप्शन जो है 50 टाइम्स डे नहीं लगेगा ठीक है जी बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है ठीक है करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये स्टूडेंट उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी का ठीक है तो ज्यादा लोड नहीं लेना है आगे मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन पे जी तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ट्वेंटी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे क्वेश्चन पढ़िए हाँ जी क्वेश्चन क्या था, था नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एन सी डी ई एक्स अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स इज कॉल्ड वट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स की इसने बात की है स्टूडेंट उसका नाम क्या है सीधा सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है अब आप मेरे से पूछोगे कि ऐसी स्टेट ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैम वो किस तरीके से यू नो कहाँ से कवर करनी चाहिए तो सी है स्टूडेंट करंट अफेयर के अंदर एक पोर्शन होता है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार होते बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन वहाँ से बहुत अच्छे से रेडी होते गवर्नमेंट स्कीम करने का सीधा सीधा तरीका है स्टूडेंट एक तो आप पी फॉलो कर सकते हैं अगर आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो जैसे आप यू भी टारगेट कर रहे हो तब आप स्टूडेंट पी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो या अगर आपको पंजाब का करना है मान लो आपको पंजाब का स्पेसिफिकली करना है तो आप पंजाब की जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो साइट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट साइट है ना स्टूडेंट वहां से आप पढ़ सकते हो उसको So, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा एग्री डेक्स एग्री डेक्स क्लियर आपको यस और नो डन है ठीक है जी अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जी. 21 हैं. हाँ जी ट्वेंटी वन नंबर स्टेटमेंट पढ़िए हाँ जी स्टेटमेंट क्या है कहता है जुलविनी कंसेंसिस कॉल्स फॉर ए मोर डेमोक्रेटिक फॉर ए मोर डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल विद ए परमानेंट सीट टू इजिप्त तुर्की एंड साउथ अफ्रीका तीनों को परमानेंट सीट देने की बात कर रहा है किस किस को इजिप्त को इजिप्त कहाँ पे हमारी अफ्रीका की कंट्री है थोड़ी अफ्रीका में थोड़ा इसका पार्ट जो है वो ऊपर लाई करता है अच्छा तुर्की को और साउथ अफ्रीका को अच्छा ये बात कर रहा है किसमें हमारी डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी परमानेंट सीट आपको पता है डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो हमारा यूएन ठीक है यूनाइटेड नेशन जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ये परमानेंट मेंबर होने की बात कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पांच कंट्रीज जो हैं वो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट हैं कौन कौन है ये आप कमेंट करके बताइए ठीक है जी ओके okay. अच्छा फिर कह रहे है, है ये कहता है ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया एयू समिट एयू मतलब कि अफ्रीकन यूनियन समिट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसिस ग्रुपिंग स्ट्रांगली सपोर्ट इंडिया टू द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहता है जो हमारा रिसेंटली जो हमारी इंडियन और अफ्रीकन यूनियन के बीच में जो हमारा समिट हुआ उसके अंदर स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट किया गया इंडिया के क्लेम को परमानेंट सीट में सी हेयर स्टूडेंट 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ स्टूडेंट उसके बाद क्या हुआ यूनाइटेड नेशंस हमारा बना ठीक है एंड स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन के अंदर दो मेन पार्ट बने एक तो बनी उसकी जनरल असेंबली जिसका पार्ट जो है वो पूरे हमारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इसके मेंबर हैं किसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऑलमोस्ट सारी जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं वो सब की सब मेंबर हैं किसकी जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दूसरा जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन पार्ट बना जो ऑर्गन है हमारा दैट इज अवर यू एन एस ई एस सी इज अवर यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर मेन पांच कंट्रीज है स्टूडेंट हमारी मेन फाइव कंट्रीज है हमारी पहली यूएसए चाइना रशिया यूके एंड अवर फ्रांस ठीक है और ये सभी की सभी इन्वॉल्व थी हमारी वर्ल्ड वॉर के अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर ठीक है तो ये पांच कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं किसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बहुत ही ज्यादा वाइटल डिसीजनस लिए जितने भी हमारे वाइटल डिसीजनस है स्टूडेंट जितने भी हमारे क्रिटिकल इन जितने भी डिसीजनस होते हैं वो यही पांच कंट्रीज लेते हैं फॉर इन आवर वर्ल्ड अफेयर बट सी स्टूडेंट उस टाइम पे सिनेरियो कुछ और था जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 के अंदर और आज सिनेरियो कुछ और है उस टाइम पे तो बहुत ही कम लिमिटेड कंट्रीज थी इवन अफ्रीका की तो कोई भी कंट्री इसमें है ही नहीं अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी है वो पूरा अफ्रीका जो है राइट इतना सारा उसमें रिसोर्सिस है इतनी तरीके की वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं बट आप देखिए कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से देखो तो आप यूरोपियन यूनियन की तरफ अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखो तो चार इसमें वेस्टर्न कंट्रीज है तीन पहला यूएसए यूके एंड फ्रांस तीनों आप आस पास ये कंट्री और तीनों हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेम्बर हैं चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है वो चलो मेंबर है रशिया जो बहुत बड़ी कंट्री है वो मेंबर है बाकी बाकी कंट्री लाइक अवर इंडिया इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की सबसे इमर्जिंग इकॉनमी है हमारी इंडिया इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट बट वो रिप्रेजेंटेड नहीं है अफ्रीका जो इतना बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसके अंदर उसकी एक भी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इन पांच मेंबर्स के अंदर सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अन इक्वेलिटी राइट बिकॉज अब जो वर्ल्ड अफेयर का सिनेरियो है वो बिल्कुल 360 सिक्सटी टर्न ले चुका है अब जो पावर है वो मल्टी मल्टी पोलर पावर है स्टूडेंट बहुत जगह पे पोल uh, मतलब यू नो पावर है हर हर किसी के पास पावर है अफ्रीका के पास अलग से पावर है इंडिया एक अलग पावर है चाइना एक अलग पावर है रशिया अलग पावर है ये सर नो इज नो परमानेंट यू नो पावर कंट्री या की तरफ पावर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट ठीक है ओके सो दैट्स स्टूडेंट दे पे इसकी बात की गई है ठीक है उसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम ऑप्शन सबसे पहले तो कहता है ऑप्शन है, तो है वो दैट इज बी ओनली ओनली टू टू ऑप्शन पहला जो है वो गलत है स्टूडेंट एक्चुअली में पहला गलत क्यों है स्टूडेंट कहता है यहाँ पे जो नहीं, जो कंसेंसीज है वो इन सबको नहीं वो अफ्रीका को ऑल अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो बात करते साउथ अफ्रीका की वो बात नहीं करता ठीक है जी साउथ अफ्रीका जो है वो तो एक जस्ट छोटी सी कंट्री है अफ्रीका की ठीक है ओके नेक्स्ट हम बात करते ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन की हाँ जी हाँ जी geta india recently announced a second phase of cotton technical assistance program for african countries. choose the correct statement among the following. 22 number question, india recently announced a second phase of cotton technical assistance program for african countries. choose the correct statement among the following. the grouping of mali, benin, बुरकीना फासो एंड चर्ड इज पॉपुलरलीटन फोर इनको कॉटन फोर कंट्रीज बोला जाता है किसको माली बैनिन बुरकीना फासो एंड चर्ड को ठीक है इंडिया ने अभी अनाउंस किया है सेकेंड फेज ऑफ कॉटन टेक्निक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर द अफ्रीकन कंट्री पहली स्टेटमेंट में वो ये कहता है दूसरे में कहता है कॉटन क्रॉप इज बेस्ट ग्रोन कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रोन कमर्शियली इन रेड एंड लेटराइट सॉइल इन द इंडिया कहता है इंडिया के अंदर कॉटन की जो बेस्ट ग्रोथ है जो आ, मतलब अगर आप इस क्रॉप को ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी रेड एंड लेटराइट सॉइल है इन इंडिया की बात कर रहे हो थर्ड स्टेटमेंट में कहता था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिलीजेस एम एम एस पी फॉर अ फेयर एवरेज क्वालिटी ग्रेड कपास बिफोर द स्टार्टमेंट ऑफ प्रक्योरमेंट सीजन अब इसने यहाँ पे हमसे स्टेटमेंट पूछी है कौन सी सही है उसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है हमारी फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है बाकी दोनों ही गलत है क्यों गलत है देखते हैं पहली स्टेटमेंट देखो कह रहा था कॉटन क्रॉप इज द बेस्ट ग्रोन कमर्शली इन रेड एंड लिट राइट सॉइल नहीं स्टूडेंट ये तो पूरी गलत स्टेटमेंट है आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर कि ब्लैक सॉइल जो है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल है स्टूडेंट फॉर दॉन कल्टिवेशन और कहां पे मिलती है हमें हमारी आ, हमारी ब्लैक सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है स्टूडेंट पे मिलती है हमें ब्लैक सॉइल तो देखिए एक मिनट ब्लैक पे, ब्लैंक पेज लेते स्टूडेंट ठीक है तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर ये जो हमारा डक्कन डक्कन का प्लेटी हुआ स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिलती है ब्लैक सॉइल जो मेनली फैली हुई है स्टूडेंट तीन स्टेट के अंदर गुजरात महाराष्ट्र एंड अवर कर्नाटका और यही स्टेट्स जो हैं दे आर फेमस फॉर द कॉटन कल्टिवेशन और सबसे ज्यादा जो कॉटन कल्टीवेशन होती है दैट इज इन गुजरात ठीक है गुजरात के इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है हमारी किसकी कॉटन की क्लियर आपको ये बात यस और नो तो ब्लैक सॉइल जो है वो बेस्ट है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन ठीक है जी ना कि लेटराइट और हमारी रेड सॉइल क्लियर है डन है ओके okay जी ठीक है जी तो ये गलत हो गई अच्छा थर्ड गलत क्यों है कहता द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिलीजेस एमएसपी नहीं स्टूडेंट नहीं, ये रिलीज नहीं करता ये रिलीज करता है हमारा सी ठीक है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजिस कमीशन फॉर लिख लीजिए बच्चे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये बताता है कि कितना एम जो है वो दिया जाएगा ठीक है कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी और हमारी पलसीज के लिए भी ठीक है यही कमीशन जो है सी एस पी है सी एस सी पी जो है वही रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को फॉर द एम एस पी ठीक है जी कितना एम एस पी जो है वो दिया जाएगा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ग्रेड कर पास बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट सीजन ठीक है ऑलरेडी पहले ही एम एस पी डिसाइड हो जाता है स्टूडेंट पर के से पहले ही हमारा एमएसपी जो है वो रिलीज हो जाता है दैट्स वाई पहले ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बाकी दोनों ही जो है वो हमारी गलत है ठीक है बच्चे ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं ट्वेंटी थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कहता ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ए आई टी यू सी द फर्स्ट पैन इंडिया ट्रेड यूनियन रिसेंटली कंप्लीटेड हंड्रेड ईयर्स हुआ अमंग द फॉलोविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ए आई टी यू सी ठीक है जो हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनी ठीक है उसमें हम किस किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि किस-किस ने कंट्रीब्यूट किया एआईटीयूसी बनने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनने के लिए किस-किस ने हेल्प की पहला कहता लाला लाजपत राय ऑफ कोर्स ये सबको ही पता है लाला लाजपत राय जो थे उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था फॉर द मेकिंग ऑफ एआईटीयूसी बाल गंगाधर तिलक जोसेफ वेबटीसी एन एम जोशी दीवान चमन ठीक है तो जी तो बताना है कि कौन कौन से मेंबर है तो सारे मेंबर थे स्टूडेंट इसके सारे ने कंट्रीब्यूट किया था स्टूडेंट इसमें तो किसको बनाने में ए आई टी यू सी को बनाने में तो ऑल ऑप्शन ऑप्शन तो सारे हैं स्टूडेंट इसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ए आई टी यू सी में लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक ठीक है जोसफ एन एम जोशी दीवान चन्नम चमन लाल तो सारे हैं स्टूडेंट इसमें तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट ट्वेंटी फोर के अंदर ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे हाँ जी कहता था इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोविंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आई थिंक सो कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या जहाँ से यू नो दोबारा से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट को घुमा के देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट प्लीज रिमेम्बर यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है आईआरएनएस के बारे में नेविगेशन के बारे में हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकता है नाविक के ऊपर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट ये स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट ठीक है जी साइंस का स्पेस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे ये करंट अफेयर की करंट न्यूज थी स्टूडेंट बहुत ही अच्छी खासी ठीक है पॉपुलर न्यूज थी तो वहीं से क्वेश्चन आया तो पढ़िए स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने तो उस पे आते है, students, statements पे आते हैं स्टूडेंट स्टेटमेंट्स है कहता इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम सिस्टम रेकोगनाइज बाई आई एम ओ इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस ठीक है इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बन चुका है ये पहली स्टेटमेंट है उसकी ठीक है अच्छा दूसरी स्टेटमेंट पढ़ती कहता है आई आर एन एस प्रोवाइड बोथ स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज थर्ड कहता है आई आर एन एस लाइक गोलनास एंड जी पी एस इज़ ए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम अब उसने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछी है हाँ जी तो करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताइए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए है क्या ये चीज़ सबसे पहले आप इसको समझिए समझने के लिए मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे ब्लैंक पेज पे और आप समझिए आप नाविक प्रोग्राम को समझिए 1999 की बात है स्टूडेंट जब हमारा कारगिल वॉर चल रहा था एंड यू नो दैट कि आज भी आप अपने फोन में जीपीएस यूज करते हैं आप सभी जीपीएस यूज करते हैं फॉर द लोकेशन पर्पस कहीं पे भी जाना आप जीपीएस का यूज करते हैं किसी की लोकेशन को ट्रेस करना है इमरजेंसी में आप जीपीएस यूज़ करते हैं जीपीएस मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपकी एग्जैक्ट पोजीशन समझाने के लिए ठीक है ओके okay. अच्छा जीपीएस सिस्टम जो है वो है हमारा अमेरिका का उसको अलग से समझ लीजिए जी सिस्टम जो है वो है हमारा अमेरिका का अमेरिका का ये सिस्टम है स्टूडेंट ठीक है बट इसका जो एक्सेस है जो इसका एक्सेस है स्टूडेंट वो सारी हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में है मतलब कि पूरे वर्ल्ड को ये कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड को ये क्या करता है स्टूडेंट कवर करते हैं ठीक है जी पूरे वर्ल्ड को ये कवर करते हैं मतलब आप दुनिया में कहीं पे भी हैं आपको जीपीएस जो सिस्टम है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास आप जीपीएस से कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके आप क्या कर सकते हैं जीपीएस का एक्सेस कर सकते हैं अब आप समझ अब आप समझो कि ये जो जीपीएस सिस्टम है या कोई भी हमारा अगर कोई हमें लोकेशन बता रहा है ये सिस्टम काम कैसे करते हैं तो ये सिस्टम काम करता है वाया है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट तो जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं स्टूडेंट नेविगेशन सैटेलाइट्स वो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं हमारी अर्थ से बाहर स्पेस के अंदर हमने अपने सेटेलाइट्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे क्या किए हुए हैं बच्चे इसको सेटल आ, मतलब कि इनको यहाँ पे हमने रखा हुआ है अच्छा तो ये सेटेलाइट जो हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं जहाँ से भी जहाँ से भी वो सिग्नल जा रहा है मोबाइल से टावर से ठीक है और फिर वो सिग्नल हमें वापस से रिसीव होता है ठीक है जी आप कहीं पर भी हैं आप सिग्नल जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं इस तरीके से कहीं पर भी इस तरीके से पूरी अर्थ जो है वो कवर होती है अच्छा अब होता है क्या है स्टूडेंट कहानी शुरू होती है हमारी कारगिल वॉर के टाइम पे अभी आप देखिए जब कोई भी आर्मी है कोई भी आर्मी आपने देखा होगा कि उनके पास एक रेडियो सिस्टम रहता है उनका खुद का एक यू you नो know, एक बड़ा सारा आपने देखा होगा इस तरीके का फ़ोन रहता है जिसके ऊपर एंटीना होता है जिससे वो बात करते हैं आपने रियल में नहीं देखा होगा बट आपने मूवीज़ में जरूर देखा होगा जिसमें वो बात कर रहे होते हैं हेलो हेलो हाँ जी हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे प्लीज़ कम ओवर है ना फिर नेक्स्ट वो आगे से बोलता है जो भी बंदा रिसीव कर रहा होता है उस सिग्नल को वो क्या बोल रहा होता है आगे से हाँ जी यस वी विल कम राइट ओवर है ना ऐसे एस ऐसे करके वो बात करते हैं ना ठीक है तो बात कैसे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट ठीक है ओके सीयर स्टूडेंट जब आप इस तरीके से बात करते मान लो कोई आर्मी का पर्सन यहाँ पे है ठीक है यहाँ पे मान लो कोई सैटेलाइट है जब आप इससे बात करते हैं, कोई पर्सन बी यहाँ पे है जो वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है मान लो इसको हेल्प चाहिए ये कोई आर्मी का पर्सन है ये हमारा बी है ठीक है अच्छा ये है ये मैं तब की कंडीशन की बात कर रही हूँ जब हमारी वॉर लगी है मान लो पाकिस्तान के साथ नाइनटीन नाइनटी नाइन के अंदर वॉर लगी हुई थी कारगिल वॉर जिसको हम कहते हैं अच्छा इसी सेटेलाइट का यूज हमारी आर्मी भी कर रही थी फॉर द लोकेशन पर्पज ठीक है किसी की लोकेशन देखने के लिए या कुछ भी करने के लिए और इन्हीं सिग्नल्स का यूज कर रहा था पाकिस्तान में you know जो अमेरिका है बिफोर 2000 2005 हमारे अमेरिका के साथ कोई अच्छे खासे रिलेशन थे नहीं ठीक है ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका के साथ हमारे कोई अच्छे बॉन्डिंग रिलेशन थे नहीं उससे पहले खास करके इन कारगिल वॉर के टाइम पे तो वैसे भी हमने उससे पहले ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया था तो इसलिए तो हमारे रिलेशन बहुत ही ख़राब थे उस टाइम पे देन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब अमेरिका जो है वहाँ पे हमारी आर्मी को जीपीएस के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ठीक है क्योंकि वो अमेरिकन सिस्टम था अमेरिका हमारा अलाई था नहीं बट वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इसलिए जी के अंदर हमें वहाँ पे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई तो जब इंडिया ने हेल्प मांगी इन, आ, उस टाइम पे इस हॉस्टाइल कंडीशन के अंदर अपनी आर्मी की लोकेशन के लिए आ, अमेरिका से तो अमेरिका ने मना कर दिया ठीक है तब तब उसके बाद इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए सो दैट इन केस ऑफ इन केस ऑफ हॉस्टाइल कंडीशन या इन केस ऑफ आवर वॉर सिचुएशन ठीक है हमें कभी भी हमारी नेविगेशन में प्रॉब्लम ना आए या उसको कोई भी इंटरप्ट ना कर पाए इसीलिए स्टूडेंट हमने नाविक को डेवलप किया को इसके लिए हमने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया स्टूडेंट नेविगेशन स्टूडेंट हमने डेवलप किया ठीक है ये ग्लोबल सिस्टम नहीं है स्टूडेंट ये एक रीजनल सिस्टम है ये सिर्फ इंडिया ये सिर्फ इंडिया इसके अंदर सात सेटेलाइट है स्टूडेंट इंडिया और इंडिया के बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है मतलब कि ये अगर हमारा इंडिया है और इसके चारों तरफ 1500 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो आपको एक्सेस मिल सकता है किसका नाविक का ठीक है ये बात क्लियर हुई आपको यसुर नो यसुर नो बात क्लियर हुई या नहीं हुई ठीक है तो अब देखते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो अच्छा इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम ये बात अब आपको क्लियर होगी होगी स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट बात करते हैं आई आर एन एस इज प्रोवाइड बोथ स्टैंडर्ड पोजिशनिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस हेर स्टूडेंट जो हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो हमारा आई आर एन एस ये रीजनल है इसके अंदर दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पहली हमारी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब है स्टूडेंट जो हमारे सिविलियन परपज के लिए हम यूज करेंगे मतलब सबको सबके पास इस सिस्टम का एक्सेस रहेगा और एक है हमारी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पज से हम यूज करेंगे आपको भी पता है मिलिट्री जो है वो बहुत सारे उसके खुद के यू you नो know, बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं ठीक है वहां पे रेस्ट्रिक्शन रहती है कि कोई भी सिविलियन जो है वो उसको एक्सेस ना कर पाए ठीक है जी ओके तो रेस्ट्रिक्शन सर्विसेज जो है वो हमारी मिलिट्री पर्पज या इंटेलिजेंस पर्पजेस के लिए और जो हमारी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम है एस एस पी एस पी एस ये हमारी सिविलियन परपज के लिए है तो आई आर एन एस जो है वो हमें दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड फॉर द सिविलियन एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज फॉर अवर मिलिट्री परपज ओनली ठीक है जी सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो है वो ग्लोनास और जीपीएस की तरह ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अभी अभी बच्चे मैंने आपको बताया ही कि जो है ये रीजनल है आर से मतलब रीजनल रीजनल मतलब कि रीजनल का मतलब है बच्चे कि सिर्फ इंडिया और इंडिया के बाउंड्री से पंद्रह पंद्रह सौ किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ इतना ही कवर करेगा हमारा नाविक या आई आर एन एस एस ठीक है इतना ही कवर करेगा ग्लोबल लेवल पे इसका एक्सेस नहीं है ठीक है आने वाले टाइम में हम इसको कर देंगे ठीक है कि नाविक एक्सेस जो है वो सबको मिले जस्ट लाइक अवर जीपीएस ठीक है सो दैट कोई भी कंट्री इसको यूज कर सके ठीक है जी जस्ट लाइक अवर जीपीएस सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा वन एंड टू बनेगा थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको नो ठीक है जी तो बहुत ही डिटेल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कशन की अबाउट आवर आई आर एन एस एस के बारे में या मैं कहूँ कि हमारे नाविक के बारे में हमारे खुद के रीजनल नेविगेशन सिस्टम के बारे में हाँ जी ठीक है जी ओके ओके बच्चे तो आज हम इतने क्वेश्चन कवर करेंगे बाकी सेशन करेंगे हम कल ठीक है जी ओके ओके एंड इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम फिफ्ट फिफ्टीन जैन तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट पी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उस लिंक पे जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं Thank you. Thank you so much. Have a nice day.